Dang it. Okay. अभी परसों एक लेडी ने एप्लीकेशन दी कि उसका एटीएम कार्ड जो है एटीएम से फ्रॉड से वो किसी को उसने कहा कि मुझे पता नहीं है कैसे पैसे निकाले जाते हैं, तो फ्रॉड से उसने दूसरा एटीएम कार्ड उसको दे दिया और उसका कार्ड जो है उसने अपने पास रख लिया, जिसके बाद उसने उस एटीएम कार्ड से 40,000 रुपया भी निकाल लिया। अब लेडी ने जो एप्लीकेशन हमें दी तो फिर हमने टेक्निकल टीम को लगाया उस काम पर और एटीएम का सीसीटीवी फुटेज वगैरह लेके उस बंदे को आइडेंटिफाई किया और फिर अरेस्ट भी कर लिया, रिकवरी भी की। पिछले 4 महीने में तकरीबन 3 लाख से ऊपर हमने ये एटीएम फ्रॉड के रिलेटेड केसेस जो हैं वो सॉल्व किए हैं, पैसा रिकवर किया है। और सब में एक चीज़ कॉमन थी कि वो या कोई बुज़ुर्ग औरत थी या बुज़ुर्ग कोई, जैसे वो ZDO साहब थे, सादिक साहब, उनसे पैसा छीन दिया गया, लोग जो बैंक से उसका पीछा कर रहे थे। ये आप लोगों की मदद से हमने ये सारे कोशिश करके ये केस सॉल्व कर लिए। लेकिन एक गुजारिश जो मैं करूँगा वो ये है कि जो बुज़ुर्ग हजरात जब भी पैसा निकालने के लिए आते हैं बैंक में, तो अपने साथ कम से कम ये तो नहीं है कि कहीं पे भी जानने वाले बच्चे हमारे नहीं हैं, हर घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा होता है, उसको साथ रखें और उसको दें। किसी भी अनजान आदमी को आप एटीएम कार्ड ना दें और उससे अपना पासवर्ड जो है शेयर मत करें। एटीएम कार्ड अपने पास रखें, अपने पास साथ जो बंदा लाया हुआ पढ़ा लिखा उसी को दें, अपने रिश्तेदार को, ताकि वो निकाल के आपको दे सके। और फिर बैंक में जो आप पैसे ज़्यादा निकालने के लिए आते हैं बुज़ुर्ग हजरात, तो वो अपने साथ किसी बच्चे को या किसी अपने रिश्तेदार को साथ रखें, क्योंकि वो जब अकेले वहाँ से जाते हैं तो लोग उन पर नज़र रखते हैं और फिर ये ऐसे हालात पेश आते हैं कि कभी शिकायत आती है कि उनसे पैसे छीन लिए गए। हम किसी भी क्रिमिनल को माफ़ नहीं करेंगे, जराइम पेशा के लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना पुलिस का काम है।